वो जो दो लोग पैरोल पर निकले हैं ये किसकी इमा पर निकले, कैसे निकले? एक संगीन जुर्म 9 मई को हुआ है जिसके आप भी खिलाफ खड़े हैं, मैं भी बींग पाकिस्तानी खिलाफ खड़ी हूँ, बद्र साहब भी खड़े होंगे, इसहाक हाकानी साहब भी खड़े होंगे, तो मुझे बताइए ये करिश्मा कैसे हो गया कि आपकी हुकूमत और वो बाहर निकल आते? देखिए बात यह है कि जो लोग भी इन वाकयात में मुलव्वस हैं, आपको पता है कि इस पर हुकूमत का मौकफ भी आ चुका है और ISPR का भी आ चुका है। ना सिर्फ वो लोग जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस हैं, चाहे वो जो मर्दी पार्टी ज्वाइन कर लें या जिस मर्दी ग्रुप में चले जाए, वो चाहे वो वाकयात करने वाले हों या उनके सहूलतकार हों या बिल वास्ता या बिला वास्ता इस भयानक खेल में किसी का किरदार हो, आप देखेंगी और पाकिस्तान देखेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। हाँ, जब तक कोई मुल्ज़िम है, हो सकता है इसमें बेशुमार वो भी लोग हों कि जो अपनी सफाई पेश करें अदालतों के अंदर और दौरान तफ्तीश वो बेगुनाह साबित हो जाए। जाहिर है जब इतना बड़े वाकयात होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के नाम आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एंड ऑफ द डे ऐसे लोगों में से किसी को भी, आपने ये भी तो देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दो पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए।